अचानक नबी नूं ख्याल आया कि आ जिहड़े मैं 80 बनाए ने इन्हां दा की बनेगा, मेरी 950 साल दी कदर। अल्लाह ने फरमाया कि कश्ती बना लो 3 मंजिला ते आ जिहड़े तुहाडे 80 ने ना इन्हां कश्ती च बिठा लो, बचेगा ओ जिहड़ा सोणिया तेरी कश्ती च आवेगा। एवें नहीं असीं दाता साहब ते बाबा फरीद ते चूरा शरीफ जांदे, सानूं पता बचदा ओही है जिहड़ा इन्हां दीआं कश्तियां च आ जांदा है। अल्लाह के नबी हजरत हूद अलैहि सलाम की कौम ते अजाब आना सी, तूफान ते आंधी दा अजाब, हवा दा अजाब, ते नबी ने अर्ज की आ जिहड़े मेरे ने इन्हां दा की बनेगा। अल्लाह फरमा इन्हां नूं खड़ा करो ते इन्हां दे इर्द गिर्द इक लकीर लगा दिओ, ते अपने उम्मतियां नूं कहा जे लकीर ते दायरे चो बाहर नहीं निकलना। हवा चली इतनी तेज हवा कि काफिर हवा च उड़ के पहाड़ां नाल टकरा के टुकड़े टुकड़े हो गए, पर वह जिहड़े नबी दे दायरे दे विच खड़े ना, आ मेरे वल वेख्या जी, वो इस तरह करके ना अपने मत्थे दा पसीना पे साफ कर दे। नहीं तुसी समझे नहीं, दायरे दे बाहर इतनी तेज हवा है कि काफिर उड़ के पहाड़ ना टकरा के टुकड़े टुकड़े हो गए, पर वो जेड़े नबी दे दायरे दे विच ने ना इतनी तेज हवा उन्हां दे मत्थे दा पसीना भी ना सुका सकी। असी इस वास्ते जाने हां बाबियां कोल। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने कि बाबा जी सन अल्लाह दे वली ते बकरियां चारदे सन, जंगल विच रहंदे सन, ते जदों जुमे दी अजान दी आवाज आनी ना, उन्हां बकरियां इकट्ठियां करके ते हर बकरी दे इर्द गिर्द दायरा लगा देना, बकरियां इकट्ठियां करके दायरा लगा देना, हिसार कर देना। तरीकत दी जुबान च हिसार कहंदे ने, वज़ाइफ पढ़न वालिआं दी जुबान च इहनूं पंजाबी च कड़ा मारना कहंदे ने। आपने हिसार कर देना, लकीर लगानी, ते जदों जुमा पढ़ के बाबा जी ने आना ते शेर दायरे दे बाहर बैठा होना, ना बकरियां दायरे दे बाहर आंदियां ते ना शेर अंदर जांदा। जदों मुरीद मुर्शिद कोल जांदा ना, ते मुर्शिद अपने मुरीद इर्द गिर्द अपनी तरीकत ते शरीयत दा एक दायरा लगा देंदा, ना नफ्स गुनाह करान बाहर जा सकदा है ते ना शैतान गुनाह करान अंदर जा सकदा है। ये मैं तुहानूं तरीकत दा बड़ा वड्डा नुकता ते तसव्वुफ दा समझा दिता। इस वास्ते अभी बलियां दे वर्गा च जाने अल्लाह दे नबी ने अर्ज की मेरे दा की बनेगा, फरमा कश्ती बनाओ ते इन्हां नूं विच बिठाओ, बचेगा ओ जिहड़ा तेरी कश्ती च होवेगा। अल्लाह दे नबी ने सारा दिन फट्टे जोड़े ना, ते रात नूं आपने आराम कीता, ते सवेरे उठ के देखा ते फट्टियां नूं कीड़े खा गए, सियोंक लग गई, दीमक लग गई। आपने रोजाना फट्टे जोड़ने ते कीड़िया ने खा जाने। एक दिन नबी ने अर्ज की अजाब का दिन भी करीब आ गया है, ते ये फट्टे कीड़े खा जाते हैं, ये कदों कश्ती बनेगी, मेरे गुलाम किधर डुब के ना मर जाने। अल्लाह ने फरमाया ना फट्टियां ते चार नाम लिख दियो, फट्टियां नूं कीड़े नहीं खावणगे। अर्ज की आलो नाम की लिखा, सुनिए अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि फट्टे ते लिखो अबू बकर सिद्दीक, एक ते लिखो उमर फारूक, एक ते लिखो उस्मान गनी, एक ते लिखो मौला अली। अर्ज की आलो चारो कौन ने, अल्लाह ने फरमाया मेरे यार दे यार ने। अल्लाह दे नबी ने जेड़े वेले नाम लिख ले, कीड़िया ने फट्टे ना खादे, कश्ती बन गई, नबी दी उम्मत दा बेड़ा पार हो गया। कोट पिंडी दा सवाल कुर्बो जवार दियाने वाल, जे नबी दे यारा दा नाम लिखिए उस उम्मत दा बेड़ा पार हो सकदा है, फिर इस उम्मत दा भी बेड़ा पार हो सकदा है। ए भी पता चलिया जे सिद्दीक दा नाम लिखिए ते कश्ती कीड़िया तू बच जांदी है, तू भी कफर दे सिद्दीक दा नाम लिख के ले जाई, कबर दे कीड़िया तू बच जाए। जे कबर दे कीड़िया तो बचना ही तो मुहम्मद दे यारां दा नाम लिख के ले। कीड़िया तो पता लग्या कि हजरत नूह अलैहि सलाम दे दौर च भी अबू बकर है सी, अबू बकर दा नाम है सी। उस पादरी ने आखिया अबू बकर तेनूं कौन नहीं जानदा, आसमान तो जितनियां किताबां जमीन ते अल्लाह ने उतारियां, हर किताब विच जिथे जिथे मुहम्मद दा नाम है नाल नाल तेरा भी नाम है। हजरत सिद्दीक अकबर बाबे नूं बड़ी हैरत नाल फरमांदे ने, बाबा मेरे यार नु किवें जानना है? अजबला सुनो ते कलेजे ठंड पा लो। बाबा कह लगा अबू बकर इन आसमानी किताबां च लिखे है कि ओ जिहड़ा तेरा यार मुहम्मद है ओ अल्लाह दा आखरी नबी होवेगा ते तू आखरी नबी दा पहला खलीफा होवेगा। बड़ी हैरत ना बाबे वल वेख्या ते फरमांदे ने, बाबा किवें दीआं गल्लां पिया करना है? आप फरमांदे ने रात गुजरी जिवें गुजरी, सुबह सिद्दीक अकबर टुरन लगे ना,
बाबे ने कदम फड़ ले ते कहन लगा टुर भी चले हो टुर भी चले हो जे रंग देवा ते बाबा कहंदा होवेगा अज लथा नहीं हो अखियां दा चा अजे लथा नहीं हो अखियां दा चा जदों कोट पिंडी दास वाले सिद्दीक अकबर टुरन लगे उस पादरी ने सिद्दीक दे कदम फड़ के अर्ज की लजपाला लोग समझते ने मैं 400 साल जगलां च इबादत करता रहा कहन लगा सुने मैं किताबा च पढ़िया सी इस जंगल च कदे मुहम्मद सिद्दीक गुजरेगा वो दिन गया ते अज दी रात आई मैं इस कुली च अखां दी कुली पा ली इबादत दा ते बहाना सी मैं ते तेरी राज कुली पा के बैठा रहा तेरी दीद वास्ते मैं कुली पा के बैठा रहा। सिद्दीक अकबर मुल्के शाम गए थे आपदा तिजारत करन जी ना करे बाबे दी गल्लां याद आउंदियां अद्धा समान बेचिया अद्धा ना बेचिया आप मक्के आए मक्के दे बाहर ना अबू जाल मिलिया कहन लगा अबू बकर बड़े दिनों के बाद नजर आया फरमाया मैं 6 महीने बाद मुल्के शाम तो आया कहन लगा तेनों पता तेरे पिछे मक्के की बनी फरमाया की बनी अबू जाल कहन लगा ओ ओ जेड़ा तेरा बचपन का यार है ना मुहम्मद वह बड़िया अजीब गल्लां करन लग पिया है आपने फरमाया की फरमांदे ने अबू जाल कहन लगा वह कहता है कि इंसान यह जड़े बुतों की पूजा करता ना जो 360 बुत ने काबे के अंदर सारे झूठे ने वो कहता एक रब सच्चा जिहड़ा नजर ही नहीं आता वो कहता कि एक दिन कयामत आ जानी है सारे मर के मिट्टी च मिल जाना है फिर रब ने दोबारा मिट्टी च पैदा करना है ते उस रब नूं अमलां दे हिसाब देने ते अबू जाल कह लगा अबू बकर मक्के च एक तू सियाणा है ते एक मैं सियाणा मैनू सची दस एक गल मुहम्मद की मनन वाली है कि बंदा मिट्टी च मिलकर फिर मिट्टी चो पैदा हो जाए सिद्दीक अकबर उहदा जवाब ना दिता ते टुर पे उत्थे जाके ते मुड़ के फरमांदे ने जे सची पुछे ते यार मेरा कहंदा ठीक ही है अबू जाल कहन लगा ठीक किवें आपने फरमाया चलिया जिहड़ा रब बंदे नूं मिट्टी चो पहली बार बना सकता है वह रब बंदे नूं मिट्टी चो दूजी बार भी बना सकता है अल्लाह ने फरमाया कुल युही हल्लदी अंशाहा अव्वल मर्रा दौड़े नबी पाक दे घर वाल दरवाजा खड़काया थे अम्मा खदीजा तुल कुबरा नूं पुछया नबी पाक कित्थे ने आपने फरमा नबी पाक पहाड़ा वल गए ने कोहे अबू कबैस वल हजरत सिद्दीक अकबर कोहे अबू कबैस वल गए ओ चोटी ते नबी करीम बैठे सिद्दीक अकबर दौड़े चोटी वाल नबी पाक ने इन दिनों के बाद यार नूं वेख्या ना ते इस तरह करके हजूर ने बाजू फैला ले सिद्दीक अकबर दौड़ के जाके नबी पाक नूं चप्पा मार लिया ते सरकार दे कान च फरमांदे ने कि मैं की पिया सुनना नबी करीम ने फरमाया अबू बकर जो सुनिया सच सुनिया कमली वाले तेरा दावा की है फरमाया मैं अल्लाह दा आखरी नबी बन के आया अर्ज की थी कमली वालिया नबी मौजज़े लेके आंदे ने दस केड़ा मौजज़ा लेके आया है मेरे आका ने फरमाया अबू बकर यार बहुते मौजज़े की करने ने दस जंगल वाले पादरी दी गल तू सुनानी है कि मैं सुनानी
صدیق نے نبی دے قدم پھڑ لے عرض کیتی کملی والے کلمہ پڑھاؤ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر ٹھہر جاؤ میں تینوں چن توڑ کے بخاواں سورج موڑ کے بخاواں درخت توڑ کے بخاواں پتھرا تو کلمہ پڑھاؤ کے بخاواں عرض کیتی سونے میں موجدے کی کرنا ادھروں آواز پی آؤں ابو بکر سچا نبی ہے جڑا مکے بہ کے شام دیا سچیاں دس دے او فرشاں تے بہ کے عرشاں دیا بھی سچیاں ہی دس دے لو بھائی کوٹ پنڈی دس والے تانوں مبارک ہوئے اج 1500 سال بعد تہاڈا او عقیدہ جڑا دنیا دے پہلے مسلمان دا عقیدہ سی دنیا دا پہلا مسلمان ابو بکر صدیق ابو بکر نے چن ٹوٹتا ویکھ کے کلمہ نہیں پڑھیا سورج مڑتا ویکھ کے کلمہ نہیں پڑھیا درخت ٹوٹتا ویکھ کے کلمہ نہیں پڑھیا پتھر نو کلمہ پڑھتا ویکھ کے کلمہ نہیں پڑھیا ابو بکر نے محمد دا علم غیب ویکھ کے کلمہ پڑھیا سی پتہ چلیا سنیا دا 1500 سال بعد او عقیدہ جڑا دنیا دے پہلے مسلمان دا عقیدہ سی صدیق نے کلمہ پڑھیا کلمہ پڑھیا توجہ ہے تھکے تے نہیں ہاتھ کھڑے کرو سارے جڑے جڑے تھک گئے ہو سبحان اللہ تسی مولوی چیک کرنا ہوندے ہو کدے کدے مولوی صاحب بھی چیک کر لیندے نے چلو ہن ہاتھ چک کے سبحان اللہ بولو میں کچھ نہیں کہندا سٹیج والے اچھا بولو یار بندے بھی تسی سٹیج تے شیف اللہ چودھری بٹھا چھڑ دیو کہندے میں ڈر جیا لگدا ہے حضرت میاں شیر محمد شرکپوری رحمت اللہ میاں شیر ربانی آپ دا مرید آ کے پوچھتے حضور لوگ نام نہ چودھری لکھ دینے تے میں بھی لکھنا تے چودھری دا پہلے دسو مطلب کی ہوندا چودھری کہندے کنوں نے آپ نے فرمایا پتر دو چودھری ہوندے نے حضور کیڑے فرمایا ایک چودھری ہوندا جے کول مربے ہون ڈنگر وال ہون ڈیرے داری ہووے مال ڈنگر وال ہووے بینک بیلنس ٹھیک ہووے گڈی شڈی وال ہووے نوکر چاکر ہون پتر واہ واہ بہ جا ہووے نا تے اونوں چودھری کہندے نے تے اونے آکھیا حضور او دوسرا چودھری کیڑا ہوندا ہے فرمایا پتر مربیاں والا چودھری مر جائے چودھر مکھ جاندی ہے محمد دا کمی بن کے مر جائے قبر چ وی چودھر جوندی رہے گی ہوں جڑا تے چودھری بن کے بیٹھا ہو رہے چپ تے جڑا حضور دا غلام تے کمی بن کے آیا او بولے سبحان اللہ جڑا ہاتھ نہیں چکتا نال دا بیلی سہارا کرا کے اچھا جو بولو سبحان اللہ یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے او اپنی امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاوے کرے ہوں جڑا اس تو اچھا بولے پانچ وقت دا با جماعت نمازی ہو جاوے تے اے جڑا اس تو اچھا بولے او دے صغیرہ کبیرہ ساری زندگی دے گناہ معاف فرما دے ماشاءاللہ 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 ہن کم ایتھے رکھیا جائے صدیق نے کلمہ پڑھیا ہجرت دی رات تے مکیوں ٹر پے دو راہی او دو راہی کون نے ایک صدیق تے دوسرا رب دا ماہی جدو صدیق اکبر نو لے کے میرے نبی ٹرے کیویں ٹرے اے دے تے میں مفصل گفتگو کراں تے مینوں کئی گھنٹے درکار نے صرف میں مکے چوں نکل نہیں اگر سناواں کہ کیویں نکلے بس نکلے او غار آئی نا صدیق اکبر کہنے لگے اے 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 کملی والے کتھے تیرے عرشاں دے پھرن والے قدم تے کتھے مکے دے پتھر ادرا میری کنڈ تے نہیں آوندے میں تانوں کنداڑے نہ چک لواں تے اے ادرا میرے کنداڑے آ جاؤ میرے نبی نا صدیق دے کنداڑے کوٹ پنڈی دات والو کیسا منظر ہوے گا اے تساں پنجابی وچ کہواں تے تسی بچپن چ کسے دے کنداڑے بیٹھے وی ہوو گے تے کسے نہ کسے نو بٹھایا وی ہوے گا تے بچپن چ غور کرو نا ایک بار او جدوں جڑا پیچھے بیٹھدا سی نا چکن والا اودیاں لتاں دے وچوں دی اس طرح کر کے بازو گزاردا کیوں جی نقیب صاحب تے جڑا پیچھے بیٹھا ہوندا سی نا پچھوں سبحان اللہ ہن اکھیاں بند کر کے ذرا تصور کر ہجرت دی راہ جدوں صدیق نے نبی نو کنداڑے چکیا ہوے گا تے انج کر کے جدوں میرے نبی نے صدیق نو پچھوں ماریا ہوے گا جب سبحان اللہ تے نقشہ پتہ کی بنیا سینہ صدیق دا تے ہاتھ نبی دے تے سینہ نبی دا تے کنڈ صدیق دی
ताइयों मदीने आके मेरे नबी ने फरमाया ये ओ अबू बकर नहीं जेड़ा मक्के वसदा सी, पूछा ये केड़ा है, फरमाया इदी कंड राती मुहम्मद दे सीने ना लगी सी, जो कुछ खुदा ने मेरे सीने च रखा सी मैं सारा ही अबू बकर दे सीने च रख देता। इनू कहंदे ने सीना बसीना फैज, ओ जेड़ा सिद्दीक तो लैके नक्शबंदियां तक अज तक आ रहा है, फरमाया मैं सारा कुछ अबू बकर दे सीने च रख दिता। और गार ते जाना सी ना, गार दे बाहर नबी पाक नू खड़ा करके कहंदे ने तुसी ए इत्थे खलोवो ते मैं नजर अंदर सफाई करा क्योंकि कोई सप भी हो सकदा है, सप ते है सी ना। उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। जे मैं शुरू हो रहा हां, मैं अपने साईं दा जिक्र कर रहा हां, सप बच्चन चुप कराओ जी, सप ईसा अलैहि सलाम दे दौर दा सी। ज़ियारत ना कर लवां, अल्लाह ने फरमा तू जाके ना ते ओ गार च आराम कर, ते एक दिन साईं आवणगे। उन 650 साल गुजर गए उड़ीकां करदे आ, उड़ीकां करदे आ। गल सुनावां इक परीत दी, चलो तुसीं नहीं बोले फिर कदे सुना देवांगे। गल इमाम गिज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने तफ़सीर सूरह यूसुफ च लिखी, फरमांदे ने हूद अलैह सलाम दे दौर च इक नौजवान सी, उहदा नाम सी यहूदा। उहने सुनिया कि रब दा नबी आउणा यूसुफ, उहने अर्ज़ कीती या अल्लाह मैनूं उन्नी देर मौत ना देवी जब तक मैं यूसुफ दी ज़ियारत ना कर लवां, मैं यूसुफ की ज़ियारत न करना। अल्लाह ने फरमा कुएं च जाके आराम करते यूसुफ आउणगे। उन्हें जाके कुएं में एक जगह खोदी, उहदे च बैठ के अल्लाह अल्लाह करनी शुरू की। 1200 साल गुजर गए, 1200 साल बाद हजरत यूसुफ पैदा हुए, आप दे भाइयों ने आप जब रस्सी ना बंद के कुएं च लटका के रस्सी कट्टी ना, तो जबरील ने जन्नत का तख्त लिया के यूसुफ अलैहि सलाम के कदमों के नीचे बिछाया। आप तख्त पर बैठे तो वह यहूदा कुएं की दीवार चो निकल के वह भी तख्त पर बैठ गया। तो यूसुफ अलैहि सलाम बड़ी हैरत नूं दी वल वेख के फरमान लगे मैनू तो वीर खूह चो सुटे, तू कित्थों आया? हाथ जोड़ के कहंदा सोने वीर का गिला ना करी, तेन खूह च वीर नहीं सुटिया, तेन खूह च मेरिया उड़ीकां लैके आईया ने। पता चलिया उड़ीकां सचिया, उन्होंने माही चल के आ जाते, माही चल के आ जाते। सुभान अल्लाह। ग्रामी कदर हजरात, सिद्दीक अकबर ने आख्या तुसी जरा इत्थे खलोवो ते मैं गार दी सफाई करा। हुण सिद्दीक अकबर ने कमीज उतार के ना ते सफाई करन वास्ते जो अंदर टुरन लगे ना, ते नबी पाक फरमांदे ने अबू बकर कट्ठे ना चली गए? आख्या नहीं नहीं तुसी बाहर खलोवो ते मैं पहले जाना है। फरमा तू पहले क्यों जाना? आखे मैं सफाई करनी, मैं पहले जाना है। फरमा तू फिर पहले ही जाना है? नकीम साहब भाई सैफुल्लाह आखे तू पहले सफाई करनी, तुसी फिर आयो? अजे दो ही कदम सिद्दीक उठाए ते हुज़ूर ने फरमाया फिर तू पहले ही जाना है। मुड़ के आख्या जी मैं पहले सफाई करा फिर तो बुलाना जी, मैं पहले दो ही कदम उठाए थे हुज़ूर ने फरमा अबू बकर फिर तू पहले ही जाना है? आख्या जी मैं पहले जाना। फरमा ठहर जा, फिर इश्क दा एक कानून बना लीए। अर्ज की सोने आखी, फरमा जे गार च पहले तू जाना है तो फिर मुहम्मद ने आना ना, अज तो बाद मुहम्मद उत्थे ही आया करनगे जिथे पहले अबू बकर सिद्दीक होया करेगा। मैं उसे दिल की गार चाहवांगा जिथे पहले सिद्दीक की मुहब्बत होगी, जिथे सिद्दीक नहीं होगा उथे मुहम्मद भी नहीं आवणगे। बस गार की सफाई की, उस सप ने इन्ने सुराख बनाए कि सिद्दीक अपनी कमीज फाड़ फाड़ के सुराख बंद किए, दो सुराख रह गए तो कमीज का कपड़ा खत्म हो गया। ए इस तरह करके ना मेरे वल तवज्जो करे, इंज सिद्दीक ने दोवां सुराखा ते एक एक एड़ी रख के ना इस तरह करके बैठ के अर्ज की, या रसूल अल्लाह आजो सुनियो मेरे आका आए थे अर्ज कर देने यार सुन ला थक गए हो गए आओ ते मेरी गोदी च आराम करो। कदे गौर किया जे मेरी मिल्लत दे नौजवानों कंधियां ते चुक के नबी नूं आप ले आए ने ते नबी नूं फिर कहंदे ने थक गए हो गए आओ आराम करो। अच्छा चुक के हाप ले आए ने ते कहंदे नबी नूं थक गए, ते सरकार ने भी इनकार नहीं किया। मेरे नबी आके ते सिद्दीक दी गोदी च सिर रखे ते अखियां मूंद लईयां बंद कर लईयां। अज इश्क ते हुसन दा मैच देख। आसान करके अर्ज करा अजी मैं तुसी सवेरे बच्चे रेल च रख के कुरान नहीं पढ़ते? हिजरत दी राह सिद्दीक ने गोदी दी बना ली रेल,
ते बेच रख लिया कुरान वाला आ मेरे वाल वेख्या जी ए नाले वेखी जा रहे नाले कहंदे ने अज रज रज वेखो अखियो नी अज रज रज वेखो अखियो नी मुड़ आउना जाना किस्मत दा अल्फाज़े दीगर कवाओ ते आप पढ़दे होणगे चुक मीम दा पर्दा मुखड़े तो ए दिल दीद बिना रजदा होए क्यों ना चाहोवे तेनू वेखन दा सबाब तक बरी हज दाए काबे एक नमाज पढ़िए लख दा सवाब है ते मस्जिद नबी च एक पढ़िए 50,000 दा सवाब है। असी दुनियादार एडे सियाने आ, असी डबल शाह नूं 50,000 दे के ते लख करा लैने आ, है ना। काबे एक नमाज पढ़िए लख दा सवाब ते मस्जिद नबी एक पढ़िए 50,000 दा सवाब। सिद्दीक हिजरत दी रात लख छड़ के 50,000 वाल तुर पे, आख्या सिद्दीक 50,000 दा घाटा ही, काबे रहना ते इत्थे लख दा नमाज दा सवाब लिया कर, मस्जिद नबी मदीने 50,000 दा मिलना है। आख्या असी को सवाब दे बंदे हाँ, असां लख की करना जे यार दा मुख ही नजरी ना आया, सानू 50,000 ही कबूल है, यार दा मुख ते वेख्या करांगे ना। उन्हां दस्या दुनिया वाले हो तुहाडा काबा आ ते मैं ते उन्हों नाल प्या ले जाना जड़ा काबे दा भी काबा है। ताइयों बाबा बुल्ले शाह कसूरी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने पहली पौड़ी उच्चा बोलो, मैं मस्ती वाले जा रहे हैं, इश्क दी मस्ती वाले। फरमांदे ने पहली पौड़ी इश्क तेरे ਲੋਕੀ ਹਜ ਮੱਕੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਖ ਵੇਖਾਂ ਤੇਰਾ ਇਹ ਲੋਕੀ ਹਜ ਮੱਕੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ फरमाते ने दर मुर्शिद दाओ पैखाना काबा हज जरूरी करिए तकवा रख महबूबा वाला ते चल दबा लो भाई गल मुकाइए हुण। जो मेरे नबी नु तीन दिन ते रात तीन रात गार जो सिद्दीक ने रज रज के वेख्या ना, पहली बार जो मदीना तैयबा गया ना तो एक अलामा ओवैसी साहब ने नारोवाल दे मैनू कहन लगे आसी साहब आओ तुहानू एक जियारत करवा के लियावां। मैनू मदीना तैयबा दियां पुरानियां गलियां च लै गए तो एक मुकाम ते खड़ा करके कहन लगे आसी साहब आओ जगह है जिथे हिजरत वाली रात खलो के मदीने वाले नबी पाक का इंतजार करते सन। मैं पूछा जी इतने खलो के इंतजार क्यों करते सन, कहन लगे आसी साहब इस मुकाम का नाम है सनिया तिल वदा, यह मदीना तैयबा च उस दौर च सब तो बुलंद जगह से, इतने खलो के उस रात बड़ी दूर तक नजर आता से जरा मक्के तो मदीने वाल पुराना रस्ता आंदा है। मैं उत्थे खलो के जो तो दूर तक वेख्या ना तो सैफुल्ला साहब मेरी समझ च इश्क की एक रमज आ गई कि आज इन्हों किसी साई की सिख हो, अज
जिन्होंने किसी सोने की उड़ीक हो, जिन्हों तंग आन किसी महबूब दियाँ, जिन्होंने सदर हो हुसन वाले दियाँ, और जिन्होंने उड़ीकों से इंतजार होना महबूबा दे, नीवी जगह खलो के नहीं वो उच्ची जगह खलो के यार दियाँ राव उड़ीक दे, तसली उन्होंने फिर भी नहीं होंगी, अड्डिया चुके पापा पार उच्चे होके तो वेखते ने किधरों दूर ही यार नजरी आ जाए, तो दरवाजा हवा नाल भी खड़ के उन्होंने इंज लगता जिम्मे वाही आया है। दम दम जान लबा ते आवे छोड़ हवेली तन दी, खली उड़ी के मत हुन आवे किधरों वास सजन दी। गुजरात जाइए ना उथे एक दरबार है बाबा कामा वाली सरकार, हजरत बाबा करम इलाही अलमरू बाबा कामा वाली सरकार, सारी जिंदगी बाबे कामा नाल प्यार किया। किसे पूछा हजूर कोई तोते पालदा है, कोई कबूतर पालदा, कोई चिड़िया पालदा है, तो हजूर कोई मोर पालदा है, लोग सोहने सोहने परिंदे पालदे, एक काले रंग का कां, इहदे नाल भी कद किसे प्यार किया है? आपने फरमाया दे ना प्यार तो कोई नहीं करता, पर मैं सुनिया दी उम्र बड़ी लंबी होंगी है। उलमा फरमाते ने कब्बे की उम्र 500 साल तो ज्यादा होंगी है, तो आप फरमाते ने मैं प्यार करना, यह हर वेले मेरे बनेरे ते बैठे रहन, और एक किसी दिन मेरे बनेरे वह भी खां आके बह जाए जिन्हें मुहम्मद की ज्यारत की हो। उड़ीका वाले अंदर रंग वेख वेख, उड़ीका वाले अंदर वह कमां नाल भी प्यार कर दे, होरे ने माही वेख्या हो। हुण मदीने वाले मेरे ते तेरे नबी का इंतजार कर रहे, 17 दिन गुजर गए। दो आरे दो दो आरे कौन आ रहे मदीने वाले, आखे असी ते एक मुहम्मद पे उड़ीक दे सैं, दो कौन आ गए? करीब आए तो लोग वेख्या दोनों की दस्तार एक जैसी, गुफ्तार एक जैसी, किरदार एक जैसा, रफ्तार एक जैसी, लिबास एक जैसा, नशिस्त एक जैसी, बर्खास्त एक जैसी। जब करीब आए ना तो मदीने वाले नूं पता ना लगे नबी किहड़ा ते सिद्दीक किहड़ा है। अच्छा हुण तुसीं पढ़े लिखे हो, कोई नौजवान भी उठ के सवाल कर सकदे है, मैनूं किसे पर्ची भेजी सवालों की। मैं अपनी जिंदगी च 23 साल दौरे खिताबत कदे किसे पर्ची का जवाब इस तू नहीं दिता कि माफल का मुल खराब हो जाता है। सवाल पूछने ने बाद जिन्हें मर्जी पूछो, मैं इत्थे ही इंशाल्लाह जवाब दे जावां। बड़े सादे जे सवाल ने, कोई अकीदे दे मुतलक नहीं, बिल्कुल सादे जे सवाल ने। हो सकता कोई नौजवान उठ के पूछे आसी साहब उन्होंने क्यों ना पता लगा नबी किहड़ा ते सिद्दीक किहड़ा है। मैं ये एक तसव्वुफ का नुकता आखिरी तुहानू सुनावां, सारी तकरीर का नचोड़ जो मिला हो जाए। साढ़े नक्शबंदियों के पेशवा हजरत सैयदना मौलाना व औलाना हजरत शेख अहमद सरहंदी, हजरत सैयदना मुजद्दद अलफसानी रज़ी अल्लाह तआला, आप दे मुर्शिद कामिल हजरत ख्वाजा मुहम्मद बाकी बिल्ला सरकार रहमतुल्लाह अलैह, बाकी बिल्ला जिन्हों के मुरीद ने एक दिन पूछा हजूर तुहाड़ा नाम बाकी बिल्ला है, तो बाकी किनू कहंदे ने, फानी किनू कहंदे ने? आपने फरमा जिहड़ा मेरा जनाजा पढ़ाना आवे उहदे कोल पुछ लवे, ते नाल ही फरमा मेरा जनाजा कोई ना पढ़ावे, कोई आवेगा पढ़ाने वाला। जदों ख्वाजा बाकी बिल्ला दियाँ जनाजे दियाँ सफ़ा तो दुरुस्त होइया ना, तो एक सवारी से सवार आए तो चेहरे ते नकाब है, उन्हें मुसल्ले खलो के जनाजा पढ़ाया तो टुर पिया। उस मुरीद ने जाके कदम पकड़ के अर्ज की थी, लाजी पाला दसिया जे फानी किन आखते ने बाकी किनू कहते, उन्हें अपने चेहरे तो नका बटाया। मुरीद वेखी हैरान रह गया, जिदा जनाजा पढ़िया वह भी बाकी बिल्ला, जिन्हें जनाजा पढ़ाया वह भी बाकी बिल्ला। पर मैं समझ नहीं आई तो सुन लै, फानी ओ पियाई बाकी आ पिया जाता। ख्वाजा बाकी बिल्ला कौन कहता है कि मोमिन मर गए, कैद से छूटे वो अपने घर गए। ओ ख्वाजा बाकी बिल्ला के घर एक दिन मेहमान आ गए, ते घर में खावन ली कुछ नहीं, घर के सामने तंदूर वाले की दुकान ते तंदूर वाले नु ख्याल आया दरवेश दा घर है ते मेहमान ज्यादा आ गए, उन्हें तंदूर दे विचों रोटियां दा तबाक भर के ना निहारी का सालन बना के ते ओ ख्वाजा साहब के घर भेजिया। आपने ओ ही खाना मेहमाना नु खिलाया, मेहमान ते चले गए, ते बाबा जी उठ के ना, बाबा जी उठ के ते तंदूर वाले दी दुकान ते आ गए। बाबा जी उठ के ते तंदूर वाले दी दुकान ते बड़ी इज्जत रखी है, ते मंग जो मंगना है। थोड़ा हौला बोलो तुहानू नजर ना लग जाए। तंदूर वाले ने फरमाते ने मंग जो मंगने, वो दरवेशा ना प्यार करने वाला कहने लगा बाबा जी दुआ ही करिया जे। आपने फरमा चलिया फकीर दी मौज जी कुछ मंग लै, उन्हें फिर अर्ज की लजपाल दुआ ही करिया जे। फरमाया चलिया फकीर दी मौज जी कुछ मंग लै, वह तो हो गया सीधा, तो कहन लगा मैं लगा जे मंगण। फरमा मंगो, कहन लगा मंगन लगा जे। फरमा मंगो, कहन लगा कुछ देना तो मैनू भी बाकी बिल्ला बना दो।
फरमाया बंदे दा पुत्र बन, बाकी बिल्ला बनना को सौखा काम है। मेरी जिंदगी दिया रात मुसले ते गुजर गई। तंदूर वाले अर्ज की मैं सुनिया करीम ओनू कहते ने जेड़ा तेह के लवे ना ते बाबा तेरे जे करीम मैं वेख्या कोई नहीं। हुण लबा चो आख्या जे मंग मैं मंगया ते दियो। खाजा साहब दा दामन पकड़िया ते कमरे च लै गए। तीन दिन दरवाजा बंद रहा ते अल्लाह हू दियां सदावां आउंदियां रहियां। तीन दिन दे बाद जदों दरवाजा खुलिया ते वेखण वाले कहंदे ने पता ही ना लगे बाकी बिल्ला केड़ा है ते तंदूर वाला केड़ा है। की निशानी है कि तंदूर वाला बेहोश है ते खाजा बाकी बिल्ला होश च। तंदूर वाले को बाकी बिल्ला बन के और रहमत ही बर्दाश्त ना होइया जड़िया रब बाकी बिल्ला ते बरसांदा है। कोट पिंडी दास वाले पता लग गया तेरा राता खां बाकी बिल्ला नाल गुजारे बाकी बिल्ला बन जांदा है। अबू बकर जदू तीन रात गार च नबी नाल गुजार के मदीने आए ते लोगां नूं पता ही ना लगे अबू बकर केड़ा नबी केड़ा है। कोई अबू बकर दे हाथ चमदा है कोई नबी दे पैर चमदा है। सिद्दीक ने वेख्या मैनूं नबी समझ बैठे ने इश्क ने कबूल ना कीता अपनी चादर लैके नबी ते साया करके खलो गया। फरमांदे लोगो केड़े भुले खिज पै गए ओ नबी ते आ बैठा जे मैं ते गुलाम ए बखरी गल है। कोल रख रख के यार ने रंग अपना ही चढ़ा लिया। इन तसव्वुफ दी ज़बान च कहंदे ने तवज्जो इत्तेहादी। मेरे नबी ने ऐसी तवज्जो गौर च सिद्दीक ते कीती कि पता ही नहीं सी लगदा ओ ओ वे के ओ ओ वे ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਆਸਾਨ ਕਰਾਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਤਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸੁਬਾ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਤੇ ਜਾਇਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਤੇ ਦਰਿਆ ਜਾਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਤਰਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲਿਓ ਨਿਕਲੇਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋ ਕਤਰਾ ਹੁਣ ਕਤਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦਰਿਆ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਦਰਿਆ ਬੜੇ ਸਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਤਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਛੋਟਾ ਜਾਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਫਨਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਹੈ ਆਜਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦਰਿਆ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾਵਾਂ। ਸਿੱਦੀਕ ਜਦੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਫਨਾ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਕੋ ਤੈਨੂੰ ਫਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਹੈ ਆਜਾ ਗੁੰਬਦ ਖਿਜ਼ਰਾ ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਲੇਟੀਏ ਜਦੋਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਰੂਦ ਪੜਨ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ ਸਲਾਮ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਪੜ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਵੇਖ ਲਓ ਅੱਜ ਵੀ ਮਜ਼ਾਰੇ ਚ ਇਕੱਠੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮਜ਼ਾਰੇ ਚ ਇਕੱਠੇ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਾ ਵਾ ਭਾਗਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਦਿਲਬਰ ਖੋਲ ਬਸੇਰਾ ਜੂੰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹ ਜੂਨ ਇਕੱਠੇ ਤੇ ਮੋਇਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਡੇਰਾ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਆਖਿਰ ਤੇ ਤਰਜਮਾ ਇੰਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕੌਣ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੜੀਓ ਤੇ ਕੌਣ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ ਤੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਈ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਵਾਰਸ਼ਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਰਾਂਝਾ ਰਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਰਾਂਝਾ ਹੋਈ ਆਪੇ ਹੀ ਰਾਂਝਾ ਹੋਈ। ਸਿੱਦੀਕ ਐਸਾ ਯਾਰ ਤੋਂ ਮਿਟ ਗਏ ਕਿ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਨਬੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਯਾਰ ਨੇ ਯਾਰ ਤੇ ਰੰਗ ਚੜਾਇਆ ਉਹ ਸਿੱਦੀਕ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ